हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्त लोग। अभी मैं नींद से उठा हूँ दोस्त लोग, और मैं अपना चाय बनाने के लिए अपना फ्रिज खोला तो दोस्त लोग उसमें मुझे एक चीज़ दिखाई दिया। वो चीज़ देखने के बाद ही मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया आया। ये जो चीज़ है अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्त लोग, ये वीडियो देखने के बाद हम लोगों को मालूम पड़ेगा ये जो हम लोग का ज़िंदगी है, हम लोग का लाइफ स्टाइल, ये कैसे चेंज हो रहा है डे आफ्टर डे, और कैसे हम लोग अनहेल्दी हो रहे हैं। हजार टाइप का बीमारी हम लोगों को आजकल है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ये फ्रेश फूड खाना बंद कर दिया, क्योंकि हम लोग आलसी हो गया दोस्त लोग। अभी सब मिल रहा है, फ्रोजन सब मिल रहा है, रेडीमेड, ओके। इसलिए हम लोग अनहेल्थी हो रहा है और दुनिया टाइप का बीमारी हम लोगों को है। सो दोस्तों, आइए देखते हैं कि क्या है चीज़ मेरा फ्रिज के अंदर जिससे मुझे ये आइडिया मिला है ये वीडियो बनाने का, ओके। तो आइए देखते हैं दोस्तों। और दोस्त लोग, ये चाय मेरा हो रहा है रेडी इन द मीन टाइम। तो चाय इधर हो रहा है और इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रिज के अंदर क्या चीज़ मिला मुझे, ओके। और दोस्त लोग, यही है फ्रिज। अभी देखते हैं, खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। दोस्त लोग, ये है अपना फ्रोजन चीज़। तो पहला वाला देखेंगे क्या है। और दोस्त लोग, ये चीज़ है समोसा। समोसा दोस्त लोग, आप देख के हैरान हो जाएंगे। इसको जो एक्सपायरी डेट है ये देखिए, 20/3/2023 को बनाया है। इसको एक्सपायर होगा 19/3/2024। डेट मीन्स ये एक साल तक आप खा सकते हैं। और दोस्त लोग, उस दिन हम लोग खाया था दोस्त लोग, इसके अंदर है आलू, पका हुआ आलू, तो सब्जी वो पका के इसके अंदर डाला है। और इसको लाइफ टाइम है, शेल्फ लाइफ एक साल तक। दोस्त लोग, अगर हम लोग ऐसा खाना खाएंगे तो सब्जी को आज पका के एक साल तक खा सकता है। तो दोस्त लोग, आप समझ सकते हो इससे हम लोगों को अपना हेल्थ के ऊपर क्या होगा। ये समोसा पंजाबी बोल के कुछ ब्रांड है, 30 पीस है इसके अंदर, एक्सपेंसिव नहीं है दोस्तों, 100% वेजिटेरियन लिखा हुआ है, टेस्टी भी है, उसने खाया था, बहुत टेस्टी है। लेकिन दोस्तों, मेरा कंसर्न है ये सब्जी पका के रखा इसके अंदर एक साल तक, जो सब्जी पका हुआ सब मसाला के साथ, उसको हम लोग एक साल तक खाएंगे। एक पका हुआ सब्जी एक साल तक, वो कैसा हेल्दी रहेगा भाई। वो आई देखते दूसरा चीज को भाई लोग। दूसरा चीज ये है प्लेन पराठा, ये भी है फ्रोजन, ओके। इसमें सब कुछ है, पूरा रेडी है, तेल मसाला नमक सब डाल के रेडी है। आपको जस्ट निकालने का और इसको तवा में डालने का, और 30-40 सेकेंड में रेडी हो जाता है। तो दोस्त लोग, एक पराठा हम लोग घर में कैसे बनाते हैं, बना आटा मैदा को गूंद के बना देते हैं उसी दिन, दूसरा दिन खाता नहीं है। और इसको आपको दिखाएंगे अभी इसका एक्सपायरी डेट कितना दिन है। दोस्त लोग, इसका भी देखिए एक्सपायरी डेट, ये तो एक साल से ज़्यादा दिन है, डेढ़ साल का। एक पराठा में आप नमक सब डाल के, तेल वेल डाल के, वो आटा मैदा को गूंदने के बाद आप रख देंगे डेढ़ साल। अगर ये पराठा आप खाएंगे, ये पूरा प्रूफ है, हाइजीनिकली प्रूफ है, सब एवरीथिंग इज ओके। बट एक नॉर्मल बात है, जो ये पराठा का शेल्फ लाइफ है डेढ़ साल तक। आप अगर इसको फ्रोजन फ्रीजर में रखेंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्त लोग, मेरा कंसर्न है एक आटा को गूंदने के बाद डेढ़ साल कैसे खा सकता है। सो दोस्त लोग, यही है हम लोगों का जो बीमारी है, यही है सब कारण।
आलसी, आलसीपन और जो मिलता नहीं है हम लोग जिधर रहता है या सो बेचलर लोग रहता है, यही एक कारण दोस्त लोग। सो दोस्त लोग कैसा लगा मेरा ये वीडियो? इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक कमेंट एंड शेयर आल्सो। ओके सो दोस्त लोग, ये जो वीडियो बनाया मैं किसी के खिलाफ नहीं है, ओके बट वी शुड ट्राई, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए टू ईट फ्रेश। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।